ऑपरेशन गंगा के जरिए भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस ला रही है। इस बीच कई केंद्रीय मंत्री खुद एयरपोर्ट पहुंचकर नागरिकों का स्वागत कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान के अंदर जाकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसमें सवार सभी भारतीयों का स्वागत किया और भारत माता की जय हो का नारा भी लगाया। समाचार एजेंसी ANI द्वारा एक वीडियो ट्वीट की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इंडिगो एयरलाइंस के विमान के अंदर छात्रों का स्वागत करते हुए दिखी। विमान में लगे माइक के जरिए स्मृति ईरानी ने यूक्रेन से आए भारतीयों से बात की और कहा कि भारतीयों ने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में अनुकरणीय साहस दिखाया है। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय भाषाएं बोलकर स्मृति ईरानी ने इन सभी का स्वागत किया, साथ ही एयरलाइंस क्रू का भी स्वागत किया। I would not take much of your time. Again, we are grateful that our prayers have been heard. You have shown exemplary courage in the most challenging of times. So I'm grateful for your resilience, for your courage and your patience. Welcome back, all of you. Welcome back home. Bharat Mata ki Jai! Guys, if you allow, can we just thank the entire crew at Indigo? They have flown in. माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट कू पर मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी एक वीडियो शेयर की। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लेट्स होप एवरीथिंग क्वाइटन्स डाउन एंड यू कैन कंटिन्यू योर स्टडीज। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जिसमें वो एक विमान के अंदर छात्रों से बात करते हुए दिख रहे हैं और वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं। जनरल सिंह उन चार केंद्रीय मंत्रियों में से एक हैं जिन्हें सरकार द्वारा यूक्रेन के पड़ोसी देशों की यात्रा करने का मौका सौंपा गया है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और देखना चाहते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।